धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रवचन करते हुए कोई बात बोल दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, किसी ने हिम्मत गिरफ्तार करे करके दिखा दो। उससे पहले जो भारत के अंदर जिनके ऊपर 44 एफआईआर पेंडिंग पड़ी है, उनकी कोई बात नहीं करता। मैं खुद जाकर के आया हूं और मैंने आईबी वालों को भी कहा है कि प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा नक्सलाइट एरिया से टर्निंग ले लेकर के वहां युवा आ गए, और पुलिस के पास हथियार नहीं है ना, उससे ज्यादा हथियार उनके पास हो गए। क्या कर रही है सरकार आतंकवाद करके? इसलिए कहना चाहता हूं ऐसे मामलों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो चलो 10 साल के लिए हो गया, 15 साल के लिए हो गया, 25 साल के लिए हो गया, आजीवन कर दिया गया उसका, ट्राइबल एरिया आजीवन घोषित कर दिया गया आपने। अरे हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमें हक और अधिकार नहीं है क्या? चुनाव हम नहीं लड़ सकते, वंचित कर दिया आप लोगों ने। इसलिए ये युवा है ना, ये केसरिया बांध करके अंदर ही अंदर घुट रहा है, घुटन हो रही है इनको। मेरे एक इंतजार के आदेश की पालना के लिए घुट रहे हैं। आदमी मुझे कहा क्या भाई साहब, आज दो दो हाथ आज ही सीएम साहब हाउस कर दें। मैंने कहा यार आज तो पहला दिन है, चेतावनी दे देते हैं आज तो, अगली बार कर लेंगे। कभी राजेंद्र जी गुड्डा के ऊपर झूठी एफआईआर हो जाती है, तमाशा बना रखा है। कभी किसी पर ये राजपूत समाज, ये जो ईडब्ल्यूएस के मांग को लेकर के यहां है ना, ये पूरे के पूरे संगठित हैं। ये चाहते हैं गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर हुई है वो सरकार वापिस ले, और राजेंद्र जी घुड़ा के ऊपर हुई है वो भी एफआईआर वापिस ले।